नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आपके राजस्थान से ही बिलोंग करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों मैं अभी पिछले 24 साल से जोधपुर रहता हूँ। और मेरी अगर एजुकेशन की बात करें तो मैं MBA हूँ, और जो अगर खेती की बात करें तो मैं जिस कंपनी के साथ में हूँ पिछले 1.5 साल से मैं इस कंपनी के साथ में हूँ, और कंपनी का क्या विजन है, क्या मकसद है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कंपनी क्या चाहती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं मारवाड़ी, सभी लोगों को आती है मारवाड़ी में अगर बात करें तो सबको उचित रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना दोस्तों, सभी लोग तैयार हैं। तो दोस्तों आपा जगह लोग सब किसान भाई हो, और किसान भाई जो है आज की तारीख में इंडिया में 70% लोग जो है एग्रीकल्चर बिलोंग करे, सही बात है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और आज सबसे ज्यादा जो है किसान दुखी है, सही बात है गलत बात है। अच्छा दुखी होने का कारण कई है, वो कारण आप खुद ही हैं, क्योंकि आज री जकी जनरेशन है रेडीमेड खाने आदत होगी। पहले अगर पूर्वज री बात करा तो सब लोग जैसे अभी आप भाई साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पे जो है सारे लोग पशुपालन करते हैं और खुद की खेती है, लेकिन दोस्तों उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, आप इस बात से सहमत है या नहीं? तो उससे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा आरके इंडिया लिमिटेड का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और सर आए हैं तो मैं एक बार चाहूंगा सर के लिए एक बार ताली हो जाए आपके मान सम्मान के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं आज एक फार्म हाउस पर और किसानों के सामने बोलने का मौका मिल रहा, क्योंकि मैं एजुकेटेड लोगों के साथ बैठता हूँ, छोटे किसान से भी बैठता हूँ, बड़े किसान से बैठता हूँ, कंपनी में भी जाता हूँ, लेकिन आज बहुत मजा आ रहा क्योंकि मारवाड़ी में बातचीत हो रही है अपने। तो दोस्तों नेटसर्फ जो की कंपनी है, आज वो करीब 18 साल पहला पूना में जब रिसर्च करा और उन्होंने देखा कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, और कंपनी ने जो काम शुरू करा वो अपने किसानों के लिए फायदेमंद शुरू करा कि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे राकेश सर ने बताया कि केमिकल यानी कि जहर आप जितना ज्यादा उपयोग करा ना उतनी ज्यादा सेहत माते फर्क पड़ रही है। आज एडो कोई घर है जटे अपन टिकड़िया नहीं ले रहे है, एडो कोई घर है जट कोई बीमार नहीं है। अच्छा आदमी तरक्की करी, लेकिन कहीं तरक्की करी ध्यान है, पहला लोग 100 साल जीवता, 110 साल जीवता, लेकिन अब 60 साल में जय श्री राम हो जाए, तो तरक्की करी या घाटा में गया? तो आप लोग सब लोग जाने के कारण कहीं, कारण एक ही चीज है कि जहर पेस्टिसाइड ज्यादा उपयोग लेन लग गया। मारे नागौर साइड में अगर बात करें आप तो बट एक बीघा में एक कट्टो देवे और आप रहते एक औजान में एक कट्टो, तो हाल तक आप सही हो, लेकिन नागौर और इस जमीन में रात दिन फर्क है। आप रही जमीन इतना दिन पड़ी ही, लेकिन आज भगवान ने दया आप रहते पानी आयो है और खेत आप रहे बिल्कुल शुद्ध है और पवित्र खेती, और आपने इनमें जहर डालने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आप रे कने गोबर खाद अवेलेबल है आप प्रयोग करो गोबर खाद रो, आप ज्यादा से ज्यादा अगर प्रयोग करो 4 साल 5 साल आपने खेत ने कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं, और अगर मेघने और खाद अगर अवेलेबल हुए तो वीर आपने खुद ने ध्यान एक दशक वैल्यू है, मतलब 10 साल तक मेघनी खाद अगर आपने खेत में दिया है तो उसकी आपकी वैल्यू रहती है। मतलब जहर आप क्यों डाल रहे हैं, मतलब लोगों को देखा देखी अपन करते हैं तो उसमें नुकसान होना ही होना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा उत्पादन बढ़े, मेरा खेत स्वस्थ रहे, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूरिया DAP यूज करो लानी आपकी जमीन बंधन लग गई एकदम कड़क, आज की जमीन आपकी बिल्कुल मुलायम है सॉफ्ट है, और आप धरती माता आपा कहवा और बिना आप जहर दे रहा आपने थोड़ा सा लालच वास्ते कि उत्पादन मारे 2 बोरी ज्यादा हुई 4 बोरी ज्यादा हुई, लेकिन दोस्तों वो ज्यादा उत्पादन लंबा समय वास्ते नहीं है, थोड़ा समय वास्ते। आज आपने बडेरा इतनी जमीन है 1000 बीघा छोड़न गया है, और आने वाली जनरेशन वास्ते आप जमीन छोड़ जाओ लेकिन वो कहेंगे जमीन तो 1000 बीघा पड़ी है लेकिन काम की नहीं है, क्योंकि बंजर जमीन हो चुकी है। तो बंजर जमीन ना हो उससे पहले अपन क्या करें, तो ज्यादा ज्यादा जैसे आप गोबर खाद उसका यूज करें, मेघनी खाद आप यूज करें, और अगर आपको रेडीमेड आदत लग गई है तो उसके लिए भी बहुत सारी कंपनियां आज की तारीख में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, और उनमें से सबसे बेहतरीन कंपनी जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है नेटसर्फ। नेटसर्फ अपने भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो पूना के अंदर खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट है, कंपनी किसी से प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर छाप लगा के नहीं करती, कंपनी के पास 250 वैज्ञानिक है
जो खुद रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पूरे लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करके फिर उस प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में भेजती है। तो कंपनी ने शुरुआत 18 साल पहले करी, पहले महाराष्ट्र में 7 साल कंपनी ने काम करा। जब महाराष्ट्र का आज की तारीख में 90% लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने लगे, उसके बाद कंपनी ने गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में और अपने राजस्थान में लाडला 3.5 साल लोग फायदो ले रहा। और सब बड़ी बात आ है कि कंपनी में आज की तारीख को लगभग 65 लाख किसान फायदो ले चुके हैं दोस्तों। ये वास्ते एक ताली होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो 65 लाख किसानों करने गई और आज प्रोडक्ट दिया और लोगों ने रिजल्ट मिले है। तो दोस्तों आज अगर आप बात करें कि जोटरा कितना पग हुए, ज्यादा देर नहीं जा सके, 1 साल 2 साल 3 साल, कंपनी पिछला 18 साल 65 लाख किसानों ने फायदो दे चुकी है। और दूसरों कंपनी रो बेनिफिट हो है कि आ कंपनी होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया करे, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर अगर बना दिया तो कंपनी बचे हुए प्रोडक्ट जगह दे वे मार्जिन आपने देना पड़ी। तो हमारे बीच में अगर कोई जगह दुकानदार है मैं समझ चाहूँ, क्योंकि दुकानदार जो है आज की तारीख में केमिकल पेस्टिसाइड जो उपयोग कर रहे हैं अपन लोग, आज की तारीख में आपको पता है कि 80% मार्जिन होता है, होता ही नहीं होता, होता। आज एलोपैथी लेते अपन 2 रुपए की टिकड़ी आपको 20 रुपए मिलती, मिलती कि नहीं मिलती। तो दोस्तों मार्जिन के पीछे वो अपना पेट तो पालन पोषण कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इतने लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है उसकी जिम्मेवारी के हकदार अपन खुद है। आज अपन लोग खुद चाहेंगे कि अपन स्वस्थ खेती करें, स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करोगे तो जैसे आज राकेश सर आए हैं, इन्होंने कंपनी इंडस्ट्री करी, आपने जैसे बात करी कि बहुत सारी कंपनियां आती है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का पीछे विजन देखो कि वो चाहती क्या है। ये कभी भी आपको बुरा नहीं चाहेंगे, इनको बुरा करने में आपको क्या फायदा होगा, इनको भी आपसे क्या फायदा मिलेगा, मिलेगा क्या? अच्छा, जब इनके प्रोडक्शन अच्छे होंगे और आज आपकी खेती अच्छी होगी और आपका जो अगर उत्पादन अच्छा हुआ और आपको अगर 5 रुपए ज्यादा मिला किलो के पीछे, तो दोस्तों आपको नुकसान है या फायदा? अच्छा, जब आपके प्रोडक्शन परचेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे कंपनी का इनका टर्नओवर घूमता रोटेशन हो रहा है, तो इनको नुकसान होगा या फायदा होगा? तो ये आपके बारे में कभी भी बुरा तो सोच नहीं सकते, ये हमेशा आपके लिए प्रयत्न करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज क्या दी जाए, आपके ऑर्गेनिक के प्रति आपको कैसे सजग किया जाए। तो दोस्तों आज अपने पूर्वज जो पहले खेती करते थे उन्होंने सुना क्या, जैसे आपकी उम्र क्या लगभग 60-65 साल, आपने पहले यूरिया सुना क्या? नहीं। पिछले 40 साल से हरित क्रांति जब से आई है तब से यूरिया DAP का नाम है, पहले कोई यूरिया DAP नहीं हुआ करता था। दोस्तों सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण जो पंजाब से जो ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर आती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन दे दिया, क्योंकि बीकानेर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पे फ्री में कैंसर मरीज का इलाज किया जाता है, वहां पूरी पैसेंजर पूरी कैंसर मरीज है। तो दोस्तों आज हालत इतने खराब हो रहा है कि राजस्थान के अंदर थोड़े दिन बाद में देखना केमिकल के अंदर इंडिया के अंदर लगभग 65 केमिकल पेस्टिसाइड ऐसी है कंपनियां जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा, लेकिन फिर भी गुपचुप चलती है। चलने के कारण भी अपन लोग ही है, क्योंकि पैसा मार्जिन मिलता है और लोग बेच रहे और अपन खरीद रहे। तो दोस्तों आज पंजाब में बैन हालत ये हो गई कि वहां मरीज के कैंसर इतने ज्यादा है कि वहां पे रासायनिक बिल्कुल बैन है। भारत के अंदर एक सिक्किम प्रांत है जो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, और दुनिया के अंदर आज सिक्किम प्रांत जो आप सुना होगा नाम हिमाचल प्रदेश के अंदर आज उसका नाम है, और सारी चीजें ऑर्गेनिक करता है और उसका भाव इतना जबरदस्त मिलता है। जो चीज आपको 10 रुपए किलो मिलती है वो अगर आपको 50 रुपए मिलने लगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान? मिर्ची वहाँ पे 2000 रुपए किलो बिकती है। तो दोस्तों वहाँ लोगों की लाइफ भी मतलब जैसे ऑपरेटर जीव अगर 60 साल जीव तो लोग 80 साल 90 साल तक जीवे, दूसरी तकलीफ भी कौन खाओ चीजों।